क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे है। सवाल ये कह रहा है कि 15 कॉट ए बराबर 8, तो कह रहे हैं कि इसकी सहायता से आप साइन ए का मान निकालिए और सिक ए का मान निकालिए। तो जो सजेस्टेड रास्ते हैं वो आपको बताना चाहते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि 15 कॉट ए बराबर 8 से हम कॉट ए का मान कैलकुलेट करें और फिर कोई त्रिकोणमिति सर्वसमिका लगाएं या त्रिकोणमिति जो अनुपात है इनके बीच में संबंध को लगाएं और हम इसकी सहायता से साइन और सेक के मान निकालें, या अगर ये मान डायरेक्टली नहीं आ पा रहे तो कोरिलेट मान निकालें उसके बाद साइन और सेक के मान निकालें। दूसरा रास्ता तो ये कि हम एक त्रिभुज लें, उसके अंदर हम कॉट ए को प्रदर्शित करें, दो भुजाएं निकालें, तीसरी भुजा पाइथागोरस थ्योरम की मदद से निकालें और फिर उसके बाद हम वहां से साइन और सेक का मान कैलकुलेट करें। तो ये जो पहला वाला रास्ता आपको बताया जिसमें से त्रिकोणमिति सर्वसमिका या त्रिकोणमिति अनुपात के बीच में जो संबंध होता है उसके आधार पर हल करने वाले से हम सवाल को हल करते हैं। तो यहां ब्लैक बोर्ड पे चलेंगे, यहां पर लिखेंगे चूंकि 15 कॉट ए बराबर 8 और यहां से आ गया कॉट ए बराबर 8/15। देखिए अब हम देखेंगे कौन सा को रिलेट करेगा। तो अगर हम कॉट से टेन का मान निकाल लें तो टेन से सेक का मान आ जाएगा और सेक से कॉस का मान आ जाएगा, कॉस से साइन का मान आ जाएगा, कितना आसान रहेगा। तो चलिए सवाल को हल करते हैं, यहां पर फार्मूला लगाएंगे चूंकि 1+tan² a इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए। अब ये फार्मूला तो हमारा काम करेगा लेकिन उससे पहले हमें tan का मान निकालना होगा। तो यहां पर फार्मूला लगाएंगे चूंकि tan a बराबर 1/cot a और tan a इज इक्वल टू cot a का मान रख देंगे, ये हो गया 1/8/15 और tan a बराबर 15/8। अब हम मान रख सकते हैं तो 1/15/8 का होल स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर ए। अब 1/225/64 प्लस sec स्क्वायर ए, अब यहां से आ गया sec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 64+225/64। आगे चलेंगे sec स्क्वायर ए इज इक्वल टू ये 5 और 4 9 6 2 8 और ये 289/64 और sec a का मान आ जाएगा √289/64 जिसको हम लोग कह सकते हैं कि 17/8। तो हमने sec a का मान निकाल लिया 17/8। अभी हमें क्या करना है कि हमें मान निकालना है किसका, sec a एक मान आ चुका है, यहां पर हम इसे आंसर करके प्रदर्शित कर सकते हैं। अभी बात आती है हमारी जाकर के sin a की। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम साइन के लिए कैसे कर सकते हैं, सेक से निकालेंगे, कॉस और साइन और कॉस के बीच में जो संबंध होता है उस संबंध का इस्तेमाल करके हम सवाल को हल करेंगे। तो देखिए भाई हमें यहां पर दिया गया है चूंकि कॉस ए इज इक्वल टू 1/sec ए, अब कॉस ए इज इक्वल टू 1/sec ए का मान रख देंगे 17/8। cos a बराबर 8/17, cos a का मान हो गया 8/17। अब अगर हम चाहें तो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 लगा सकते हैं। अगर हम ये नहीं लगाना चाहते तो हम ये भी लगा सकते हैं जैसे लास्ट सवाल पे लगाया हुआ था, tan a इज इक्वल टू sin a अपॉन cos a। अब देखिए tan a का मान हमें पता है 15/8 बराबर ये हो गया sin a अपॉन cos a का मान 8/17। अब ये हो जाएगा 15/8 बराबर 17 sin a/8, 8 से 8 का कैंसिल कर दिया, 17 sin a = 15 और sin a बराबर 15/17। तो उम्मीद करते हैं कि जो मान हमने निकाले और जो हमारे तरीके ये आपको पसंद आ रहे होंगे। आपको ढेर सारे रास्ते हर सवाल के लिए मैं बताता चल रहा हूं, आपको जो रास्ता बेहतर लगे आप उसे आजमा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे आ गया है। कहा जा रहा है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी का मान 90 डिग्री है और आपको दिया गया है कि टेन ए का मान है 1 और कह रहे हैं कि आपको सिद्ध करना है कि साइन ए और कॉस ए का मान 1 रहेगा। आप सवाल समझ गए होंगे कैसे करना है। चूंकि यहाँ पर समकोण त्रिभुज बोल रहा है इसलिए समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी रहेगा, क्योंकि सवाल में जो भी चीजें दी गई होती हैं आप ये जान लीजिए कि लगभग उन चीजों का इस्तेमाल जरूर से जरूर होता है। तो चलेंगे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, उस समकोण त्रिभुज में
जो कोण बी है उसे हम प्रदर्शित करेंगे। तो ब्लैक बोर्ड पे समकोण त्रिभुज है, ये पॉइंट कर दिया हमने सी, और इसे कर दिया ए, और इसे कर दिया बी, और आगे चलते हैं। अब देखिए कोण बी 90 डिग्री हो गया, टेन ए का मान है एक। अब नीचे हम लोग लिखेंगे, चूंकि टेन ए बराबर एक तो इसे हम एक बटा एक भी लिख सकते हैं, और टेन ए होता है लंब बटे आधार। अब हम देखेंगे एक के अकॉर्डिंग लंब क्या बन रहा है, बीसी, और आधार क्या बन रहा है, ए बी। अब हम कंपेयर कर देंगे, तो बीसी का मान आ रहा है एक और ए बी का मान भी आ रहा है एक। तो इस तरीके से समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं आ गई, इन भुजाओं को हम अपनी त्रिभुज के अंदर प्रदर्शित करेंगे। तो ए बी का मान हो गया एक और बीसी का मान हो गया एक। अब यहां पर भुजा बची हमारी ए सी, तो यहां पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से और पाइथागोरस के प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब ए के अकॉर्डिंग कर्ण क्या है, एसी, एसी का वर्ग बराबर ये हो जाएगा बीसी का वर्ग और प्लस ए बी का वर्ग। फिर आगे चलेंगे, एसी का वर्ग बराबर बीसी का मान हो गया एक का वर्ग और धन ए बी का मान हो गया एक का वर्ग, और एसी का वर्ग बराबर एक धन एक, एसी बराबर अंडर रूट 2। तो जो भुजा हमें नहीं मालूम थी वो भुजा हम निकाल चुके हैं, एसी बराबर अंडर रूट 2। अगर आप चाहें तो ये मान आप प्रदर्शित कर सकते हैं अपने फिगर पे, अदरवाइज यहीं पर रहने देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने चित्र में प्रदर्शित कर दिया कि एसी का मान अंडर रूट 2। अभी जो चीज हमें सिद्ध करनी है उसमें कह रहा है कि साइन ए कॉस ए बराबर 1। इसका मतलब ये कि हम साइन ए का मान निकालेंगे, कॉस ए का मान निकालेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सरल करेंगे मान रख करके। यदि एक आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि हमने जो सवाल किया है वो पूरी तरीके से सही है। तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, चूंकि देखिए साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। अब ए के अकॉर्डिंग देख रहे हैं लंब कितना है बीसी और कर्ण कितना है एसी, यहां से आ जाएगा साइन ए बराबर बीसी का मान है एक और एसी का मान है अंडर रूट 2। तो साइन ए का मान हो गया एक बटा अंडर रूट 2। अब हम मान निकालेंगे कॉस ए, तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और देखेंगे आधार का मान है ए बी और कर्ण का मान है एसी, तो कॉस ए का मान आ जाएगा एक बटे अंडर रूट 2। तो यहां से साइन ए और कॉस ए के मान हम लोग निकाल चुके हैं। अब जो चीज सिद्ध करनी है उसे नोट करेंगे, तो यहां पर आ गया साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को नोट कर लिया, साइन ए कॉस ए, साइन ए का मान रख देंगे एक बटा अंडर रूट 2 गुणे कॉस ए का मान एक बटा अंडर रूट 2 गुणा कर देंगे एक बटा 2, तो आपका आ रहा है एक बटा 2। अच्छा, यहाँ पे हमारी जो टेक्निकल टीम साथ में बैठी हुई है, जो मेरे द्वारा सॉल्व किए जा रहे हर सवाल के जवाब को बता रही है, तो उसने मुझे इशारा किया है कि सर जो जवाब निकला है वो थोड़ा सा गलत है, क्योंकि जो सवाल अन्य किताब में दिया गया है तो शायद जिस किताब के जरिए हम लोग सवाल हल करने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर कुछ मिस प्रिंटिंग है, जिसके चलते ये सवाल यहाँ अधूरा रहा जा रहा है। तो वहां से हिंट्स मिली है कि सर सिद्ध करना है 2 sin A cos A is equal to 1। तो हम यहां पर लिखेंगे 2 sin A cos A, लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 लिया जाएगा, तो इस तरीके से यहां पर 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा 2 into 1/2, 2 से 2 कट जाएगा और 1 आ गया। अभी हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यदि आपकी किताब में भी इस तरीके की टेक्निकल कमी है तो आप अपनी टेक्निकल कमी को दूर कर लीजिए और यहां पर साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 1 ना हो करके 2 sin A cos A इज इक्वल टू 1 है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बताए गए सवाल पसंद आ रहे होंगे। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल, और हम आगे और भी नए प्रोजेक्ट लेकर के आने वाले हैं जिसमें आपको क्लास 10th क्लास 12th के फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी सोल्यूशन जल्द से जल्द अवेलेबल कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।